तो बलोचिस्तान के मेंबर साहब ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है इट वेरी अनपॉपुलर। शुरू साहब आपसे मेरे ख्याल से आपसे वो भी पानी की शॉर्टेज का बताया करते थे, लेकिन ये बताएं कि अब आप गवर्नमेंट में भी क्यों जा रहे हैं, सबसे एसएससी को फॉलो करें, आप समझते कि वक्त की तब्दीली के साथ गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, मजे रिसोर्सेज चाहिए होंगी, तो उसका नाम कैसे सुझा मेरे भाई। इस वक्त 1991 में पाकिस्तान के लीडरान ने बैठ के ये डिटरमिन किया था कि हमारे पास 114 एमएस पानी अवेलेबल होगा और वो 114 एमएस पानी हम इस तरह से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो 114 एमएस पानी जो 1991 के अकॉर्ड में दिया गया है वो पानी हमें आ नहीं रहा। इसका कह रहा है कि पानी 114 नहीं आ रहा, पानी कभी 102 आ जाता है, कभी 103 आ जाता है, कभी 104 आ जाता है, पानी पूरा नहीं आ रहा। अब जब पानी पूरा शार्टेज आ रही है तो शार्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीकाकार इस सरकार में दिया हुआ है। उसमें इस रबी के सीजन में जब हम गंदम लगाते हैं उस सीजन में ये कह रहे हैं कि आपको शार्टेज होगी 28%। हम कहते हैं 28% शार्टेज आप इस एक्ट के हिसाब से, इस माहिदे के हिसाब से बराबरी की बुनियाद पर तकसीम करें, वो नहीं करें। अब आप आ गए अल्टरनेट के ऊपर। अल्टरनेट ये है कि पानी की हमारे पास इतनी बचत है ही नहीं जो हमारी जरूरत है, उससे भी कम पानी आ रहा है। आप जो इशारा कर रहे हैं स्टोरेज की तरफ कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक जग पड़ा हुआ है, वो जग ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरा जग खरीदने की बात कर रहे हैं। एक दूसरी, पानी की कंजर्वेशन दुनिया में लाइनिंग के थ्रू होती है। दुनिया में पानी की जो कंजर्वेशन आपके पास जदीद जो अल्टरनेट एग्रीकल्चर के बीज से उसके थ्रू होती है, ड्रिप इरिगेशन पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जा रही है, लाइनिंग के ऊपर जा रही है, स्प्रिंकल्स के ऊपर जा रही है। यहाँ पे तो इस तरह का जो भी डेवलपमेंट, मैं आपको बताऊं कि सिंध को सबसे बड़ा जो नुकसान दिया गया, अगर आप तारीख उठा के देख लेंगे तो इंडस बेसिन ट्रीटी में सबसे ज्यादा नुकसान सिंध को दिया गया। उस पैसों से जो डेवलपमेंट उस वक्त हुई वो सिंध में एक भी बैराज नहीं बना। सिंध में जो बैराज बने हुए थे वो 1907 तक बने थे, उसके बाद जो भी पैसे आए, डेवलपमेंट हुई, कंजर्वेशन हुई, लाइनिंग हुई, वो सिंध में नहीं हुई। तो मेरा कहने का मकसद है कि कंजर्वेशन कर सकते हैं, इस वक्त जो हमारे पास एक जग है वो भी भर नहीं पा रहे। वही हम आप कह रहे हैं कि 1991 से लेके अब तक 114 एमएस पानी आया ही नहीं, इस वजह से पानी की शॉर्टेज है। किसी 10 साल के बाद 30 साल के बाद एक फ्लड आता है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद, जो लास्ट टाइम फ्लड 2010 में आया है वो कोई 40 साल के बाद फ्लड आया है इस लेवल का। तो इस वक्त हमें जरूरत है कि कंजर्व पानी कंजर्व करें, हमारे पास है। आप मुझे बता दें कि सिंध को कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत ने गार्ड डैम बनवा किया था 2012 में, आज तक फेडरल गवर्नमेंट इसको कंप्लीट नहीं कर रही, आज तक 10 साल हो गए। आज भी गार्ड डैम का पानी हमारा हम सेव कर सकते थे, नहीं तो कर सके। तो फेडरल गवर्नमेंट का एक मंसूबा टीएससीबी में दिखा दें कि लाइनिंग के ऊपर सिंध के डैम के ऊपर उन्होंने नया मंसूबा रखा हो। सवाल ये है, अभी आपने कहा कि अनवर मंसूर साहब ने पॉइंटेशन किया था कि सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है 91 रिकॉर्ड के मुताबिक, तो ये वाला मैटर आप फेडरल गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पार्टी सेनेट में और नेशनल असेंबली में क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हैं और इस इशू को आप फोरम पे क्यों नहीं लेके जाते? देखिए हर फोरम के ऊपर आपका लोअर हाउस हो अपर हाउस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने उसके ऊपर एहतियात किया है। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी में नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किए हैं। अब आ जाए कि अगर हम एग्री होते हैं, हम मुतासिर होते हैं इसका के रवैये से, तो हमारे पास प्रॉपर फोरम है CCEI, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है हमारे पास CCEI, उसमें हम लेके गए। अच्छा नई बात CCEI में हो गई है, CCEI ने यह करा है कि एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई 2018 के एंड में मेरे ख्याल में, उसमें नेशनल वाटर काउंसिल दे दी है। अच्छा नेशनल वाटर काउंसिल की कंपोजिशन क्या है? नेशनल वाटर काउंसिल की कंपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, और यही कंपोजिशन CCEI की है। तो अब क्या उन्होंने करा है कि जो भी मसला पानी से रिलेटेड होता है
प्रोफेशनल वाटर काउंसिल में भेज देते हैं। हम गए सी सी आई में अपने दुख का दरमान लेने के लिए, भाई आप हमें 1200 क्यूसेक कराची का पानी जो हमें K4 के लिए देना है वो पानी आप हमें दें। उन्होंने वो उठा के नेशनल वाटर काउंसिल में भेज दिया। पानी देने की बजाय कभी सिंध की जो जाती है जो वहां पे हम अपना दुखड़ा लेके जाते हैं, कभी अटॉर्नी जनरल के पास भेज देते हैं। अब एक नया अदारा बना दिया नेशनल वाटर काउंसिल। नेशनल वाटर काउंसिल को जो टीओआर में उन्होंने पावर दिए हैं वो सीसीआई वाले दिए हैं। देखिए सीसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल वाटर काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। उसमें आप ये तो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन जो बाइंडिंग होगी सीसीआई के फैसले की होगी। तो ये एक हमारे साथ व्याप्ति की जा रही है हर फोरम के ऊपर। चलो आप ये बता दीजिए पानी कम आने की वजह से आप कहीं गंदम की फसल मुतासर होगी, कितने लाख एकड़ का फसल जो है वो मुतासर होगी, और ये खास कौन सी वजह से आप समझते हैं कि आटा बोरा भी बता सकता है क्योंकि इस वक्त गंदम बाहर की इम्पोर्ट कर रहा है। देखें आपने बड़ा अहम सवाल किया है। पीपल्स पार्टी की दौर में 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभाली थी उस वक्त गंदम हम इम्पोर्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज की वजह से गंदम हमारे पास वास्तव मकदार में पैदा हो गई और हमने इम्पोर्ट करना बंद कर दी थी। यही पॉलिसीज हैं कि भाई आज आप कह रहे हैं कि पानी की शार्टेज 28% है, हालांकि उसके ऊपर सिंध को बड़ा इतराज है डिटर्मिनेशन के ऊपर, शार्टेज डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि ये गोरख धंधा है जो ये कर रहे हैं, ये इस तरह शार्टेजेस नहीं है। ईस्टर्न रिवर्स का पानी आता है वो काउंट नहीं करते, ईस्टर्न रिवर्स वो है जो अयूब खान ने भेज दी थी, लेकिन वहां पे जब इंडिया से पानी आता है वो काउंट नहीं करते। ये पानी करते हैं 6 एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काउंट, ये बहुत बड़े बहस है इसमें नहीं जाते, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि 28% शार्टेज सुन कर ले। हम कहते हैं वो सब शार्टेज नहीं है एक्ट के हिसाब से। अब वो जो 2 MF पानी इस दफा सिर्फ जो वो खुद कह रहे हैं कि इसको कम देंगे शार्टेज के हिसाब से, वैसे तो हमारा पानी रबी का है 14.82 MF, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपको पानी हम देंगे 10.36। तो भाई आप तकरीबन 4 MF 4.5 MF पानी कम दे रहे हैं, तरबरा की जो स्टोरेज है वो है 5 MF, मतलब तरबेला जितना पानी आप हमें कम दे रहे हैं, तरबेला की जो स्टोरेज कैपेसिटी है 5 MF है, तो 1 MF। सुबह वजरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।